केमिस्ट्री स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ट्वेल्थ तो डियर स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट थर्टीन यूनिट थर्टीन ऑफ क्लास ट्वेल्थ तो यूनिट का नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग नाइट्रोजन जिनमें नाइट्रोजन है अब वो कौन कौन से कंपाउंड हैं पहले कंपाउंड हमारे पास आता है सबसे पहले जिसका फार्मूला है आर एन एच टू आर एन एच टू जिसको हम कहते हैं प्राइमरी अमाइंस प्राइमरी अमाइंस ए एम आई एन ई -E एस इसका फार्मूला जी है तो फंक्शनल ग्रुप होता है इसका सिर्फ एन एच टू के साथ एन एच टू दूसरा इसमें सेकेंडरी अमाइंट सेकेंडरी अमाइंस का फार्मूला हमारे पास है आर टू एन एच या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर एक जहाँ पे फिर बीच में एन एक आर यहाँ पे लिख दो ये आ गया एच तीस आर सेकेंड्री सेकेंडरी अमाइंस इनको इस तरह से भी लिखा जाता है प्राइमरी अमाइंस को हम ऐसे भी लिखते हैं इस तरह से और इसके बाद इसका फार्मूला हमारे पास क्या आ गया ये तो मैंने लिख दिया आर टू एन एच और फंक्शनल ग्रुप दिस इज फंक्शनल ग्रुप इसका फंक्शनल ग्रुप हमारे पास होगा दिस इज सिंगल बांड एन एच और ऐसे लिखा सकते हैं इसको हम इसके बाद नेक्स्ट आ गया टर्चरी अमाइंस टर्चरी अमाइंस इस तरह से भी इनको दिखाया जाता है टर्चरी अमाइंस का फार्मूला ऐसे शॉर्टकट आर थ्री एन आर थ्री एन और इसका फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या आ जाएगा सिर्फ नाइट्रोजन एटम और इस तरह से दिस इज द फंक्शनल ग्रुप दिस इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ टर्सरी अमाइंस तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप ऑफ सेकेंडरी अमाइंट इसके बाद कौन कौन से कंपाउंड इसमें आते हैं मैं आपको सारा बताता हूँ, वो आगे हम करते जाएंगे टर्न बाई टर्न साइड जिसका फार्मूला होता है हमारे पास आर सी एन साइड्स जहां को नाइट्राइड्स भी बोला जाता है तो फंक्शनल ग्रुप लिख देता तो सायनाइड्स, फंक्शनल ग्रुप सी एन तो दूसरे इसमें आते हैं हमारे पास आइसोसायनाइड्स, जिसका फार्मूला हमारे पास आर एन पहले फिर सी आइसोसायनाइड्स, सायनाइड्स, या फिर नाइट्राइल्स भी बोला जाता है नाइट्राइल्स इनको भी नाइट्राइल बोलते हैं नाइट्राइल्स भी बोला जाता है इनको ये आगे हमारे पास आइसोनाइट्राइल्स सारी ठीक है जैसे जी नाइट्राइल है ये आगे आइसोनाइट्राइल्स आइसोसाइनाइड्स या फिर आइसोनाइट्राइड्स तो इनका फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारे पास दिस इज एन ट्रिपल बॉन्ड सी दिस इज द फंक्शनल ग्रुप आप आइसोसाइनाइड्स या फिर आइसोनाइट्राइड्स नाइट्रो कंपाउंड्स नाइट्रो कंपाउंड्स का फार्मूला क्या है हमारे पास आर एन ओ टू आर एन ओ टू नाइट्रो कंपाउंड्स नाइट्रो कंपाउंड्स जिनका फार्मूला हमारे पास आ गया आर एन ओ टू और फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है सिंपल एन ओ टू एन ओ टू तो और इसमें क्या आते हैं हमारे पास नाइट्राइल्स नाइट्रो आ गए नाइट्राइल्स आते हैं नाइट्राइड्स का फार्मूला आर ओ एन ओ आर ओ एन ओ दीज आर नाइट्राइल्स एन आई टी आर आई नाइट्राइट्स दीज आर कॉल्ड नाइट्राइट्स या कह का फार्मूला आर ओ एन ओ तो फंक्शनल ग्रुप इसका आ गया ओ एन डबल बाड ओ तो नेक्स्ट एक और इसमें आती है टाइप हमारे पास कंटेनिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में जिसका फार्मूला है ए आर ए आर इज एरोमेटिक कंपाउंड्स जिसमें बेंजीन की रिंग आती है ए आर एन टू पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव दीज आर कॉल्ड डायजोनियम डाजोनियम सॉल्ट दिसम डायजोनियम सॉल्ट तो इसका कोई पूछे पे क्या फंक्शन ग्रुप दिस इज एन टू और एक्स नेगेटिव एन टू पॉजिटिव और एक्स है नेगेटिव तो जी आगे इनकी जनरल इंट्रोडक्शन कंपाउंड्स एंड फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग नाइट्रोजन अब हमारे पास बहुत बार इसका जाता है दीज आर दी अमोनिया अमोनिया डायरिवेटिव प्राइमरी अमाइंस की हम बात करेंगे प्राइमरी अमाइंस इसका फार्मूला हमारे पास आर एन एच टू अब जैसे प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइंस प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइंस, आल ऑफ अमोनिया अमोनिया से ही बने हैं कैसे बने हैं जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज अमोनिया एन एच थ्री अमोनिया अमोनिया से इसका एक एच अगर हम निकाल दें इसकी जगह लगाया आर पीछे क्या बचा आर एन एच टू प्राइमरी अमाइंस ये लो फिर इसके दो एच निकाले अगर हम तो दो आर लगा दें हम अगर अमोनिया में ही तो बन गया हमारा सेकेंडरी अमाइंस फिर इसके बाद अगर हम तीन आर लगा दें तीनों साइड में तो ये हमारे पास क्या बन गया टर्सरी अमाइंस इसको हम कहते हैं टर्सरी अमाइंस इसलिए दीज आर द दी डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया सारे अमोनिया के ही डेरिवेटिव हैं अमोनिया प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस एंड टर्सरी अमाइंस। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइंस इस तरह से दिखाए जाते हैं अब इसके बाद हमारे पास आगे क्या होता है एलिफैटिक अमाइंस एंड एरोमेटिक अमाइंस। एलिफैटिक अमाइंस वो होते हैं जिनमें बेंजीन की रिंग नहीं आती है अलकेन लगी होती है सिर्फ जे जो हमने अभी पढ़े एलिफैटिक अमाइंस में क्या आएगा हमारे पास जैसे सी एच थ्री एन एच टू इसका कॉमन नाम क्या है मिथाइल अमाइन मिथाइल अमाइन आई यू पी सी नेम भी मैं आपको बताऊंगा इसके बाद जैसे हमारे पास सी एच थ्री एन एच सी एच थ्री डरी अमाइन भी है लेकिन इसका यहाँ पे नेम क्या है डाई मिथाइल अमाइन कॉमन नेम ऐसे इटर्सरी अमाइन जो अभी हमने पढ़ा तो यहाँ पे एग्जांपल आ गई है सी एच थ्री इस साइड भी हम लिखेंगे सी ए थ्री यहाँ भी लिखा सी ए थ्री तो ट्राई मिथाइल अमाइन ट्राई मिथाइल अमाइन तो ये भी एग्जांपल एग्जाम्पल आगे हमारे पास प्राइमरी अमाइन भी है ये सेकेंडरी है और ये आ गया टर्सरी और इन सब को हम एलिफैटिक अमाइंस भी कहते हैं एलिफैटिक एलिफैटिक अमाइंस भी कहलाते हैं ये सारे एलिफैटिक अमाइंस भी कहलाते हैं इसके बाद होते हैं एरोमेटिक अमाइंस एरोमेटिक अमाइंस में जैसे बैनजीन के रिंग के साथ जब एन एच टू लग जाए दिस इज एरोमेटिक अमाइन तो इसका कॉमन नेम है एनिलीन। एनिलीन इज कॉमन नेम बहुत बार पूछा जाता है ऐसे ही अगर सेकेंडरी अमाइन ले लें आप एरोमेटिक तो यहाँ दोनों साइड बनजीन की रिंग लगी होगी तो इसको हम कहते हैं डाईफिनाइल अमाइन डाइफिनाइल अमाइन डाइफिनाइल अमाइन ऐसे ही सुवान ट्राइफिनाइल अमाइन भी ऐसे ही आता है ये था इसका मेन मेन नॉमल कलेक्चर ऑफ द लेकिन आई नेम हम अभी डिस्कस करते हैं कॉमन नेम और आई नेम ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। बहुत बार ये पूछे जाते हैं जैसे अभी आपने पढ़ा जी हमारे पास सी एच थ्री एनएच टू दिस इज प्राइमरी अमाइन है इसका कॉमन नेम मैंने आपको बताया ही मिथाइल अमाइन मिथाइल अमाइन लेकिन इसका आई जू पी सी नेम क्या है आई पी सी नेम में हम इसको मिथेन बोलेंगे और इसको अमाइन ही बोला जाता है याद रखो ऐसे अमाइन ही लगता है कि अमाइन एम आई है नहीं अमाइन ही सुफिक्स जहाँ पर क्या लगता है अमाइन ही यूज होता है तो ये मिथेन है ए कार्बन की चेन है आई पी सी में देखो ये तो नाइट्रोजन है ए कार्बन वाले को हम मिथ कहते हैं सारे सिंगल बॉन्ड मिथेन इसका नाम क्या बन गया आई यू पी सी नेम एम ई टी एच ए एन ई नहीं लगाएंगे हम क्यों नहीं लगाएंगे क्योंकि आगे भी बावल आ रहा है ई यहाँ ड्राप हो जाती है यहाँ से ये यह निकल जाएगी तो मिथेन अमाइन इसका नाम क्या बन गया -E. -E -E. ए एम आई एन ई एम ई टी एच ए एन ए एम आई एन ई दिस इज मिथेन अमाइन आई यू पी सी नाम इसका आ गया आईजूपी एसी नेम इज मिथेन अमाइन अब ऐसे ही सी टू एच फाइव एन एच टू तो इथेन अमाइन कॉमन नेम इथेन अमाइन आई यूपीसी नेम इसका कैसे लिखेंगे हम दिस इज इथेन ये नहीं लिखाएंगे इथेन अमाइन इस तरह से इथेन अमाइन लेकिन जो सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन है उनके नेम्स थोड़े से डिफरेंट दिए जाते हैं मैं अभी बताऊंगा वो कैसे हैं हमारे पास जैसे ये आ गया हमारा सेकेंडरी अमाइन जहाँ मैं लिखता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ एन सेंटर में लिख दिया मैंने सी एच थ्री इस साइड इस साइड भी सी एच थ्री यहाँ पर दिया एच सेकेंडरी अमाइन है कॉमन नेम अगर इसका कॉमन नेम मैं आपको बताऊं दिस इज दोनों साइड यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगे हैं दोनों साइड हमारे मिथाइल डाई मिथाइल अमाइन डाई मिथाइल इनको हम मिथाइल बोलेंगे कॉमन नेम में डाई मिथाइल अमाइन लेकिन आईजूपीसी नेम में हम क्या करते हैं एक तो हमने चेन बनानी है कार्बन की चाहे इस साइड बना दो एक ही कार्बन की चेन चाहे इस साइड बना दो अगर हम इसको चेन सेलेक्ट कर दिया हमने तो ये हमारे पास बच गया पीछे यहाँ पे इसको हम सब्सिचुन लिखते हैं फिर सब्सिचेंट कैसे लिखेंगे एन मिथाइल ये मान के हमारे पास एन मिथाइल एच तो ऐसे ही होता है बांट पूरी करता है एन मिथाइल एन मिथाइल मिथिन अमाइन हाँ, फिर सुनिए ये क्या बनेगा हमारे पास एन पे मिथाइल लगा है तो इसको आप ऐसे लिखेंगे लेंगे एन मिथाइल एन मिथाइल मिथेन मिथेन अमाइन इस तरह से इसका नाम बन जाएगा आई जू पी सी नेम ऐसे बनेगा इसका हाँ अब कोई हमारा सेकेंडरी अमाइंस लेते हैं आगे हम उसका नाम कैसे लिखा जाएगा सेंटर में आ गया एन सी एच थ्री सी एच थ्री यहाँ पर भी सी एच थ्री अब अगर इसका कॉमन नेम हम देखें तो ट्राई मिथाइल अमाइन तीन मिथाइल है ट्राई मिथाइल अमाइन ट्राई मिथाइल अमाइन इसका आ गया कॉमन नेम ट्राइबल नेम ही बोलते हैं इसको आई जू पी सी नेम इसका कैसे बनेगा एक ही चेन तो एक ही रहेगी हमारे पास ये भी सब्सिटिट्यूंट आ गया जे भी सब्सिट्यूंट आ गया तो एन एन एन, एन डाई मिथाइल इस तरह से लिखा जाएगा जी एन फिर इस तरह से एन डाई मिथाइल मीथेन अमाइन हाँ फिर सुनो एन 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 पे और एन पे एन एन डाई मिथाइल मिथेन अमाइन तो अगर हमारे पास कोई और कंपाउंड हो ऐसे सेंटर में है एन माइन यहाँ पे आ गया एक सी एच थ्री यहाँ पे हो दो की चेन सी एच टू सी एच थ्री यहाँ पर आ जाए हमारे पास सी एच टू सी एच थ्री इसका आई पी सी नेम किस तरह से बनेगा तो पहले तो हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना पड़ेगी हमें कि लंबी चेन कौन सी है यहाँ पे इथेन की आ रही है चाहे जे ले लो चाहे जे ले लो जे ब ले ली हमने आ आगे कार्बन चेन बन गई अब हमारे पास जे भी सब्सिटेंट और जे भी सब्सिटेंट एक है हमारे पास इथाइल एंड पे इथाइल दूसरा है मिथाइल एंड तो दोनों पे आ रहे हैं ए बी सी डी ई एम लेट आएगा तो इथाइल हमने पहले लिखना है इसको बाद में तो हम ऐसे लेके अल्फाबेटिकली एन इथाइल एन इथाइल और फिर उसके बाद एन मिथाइल एन इथाइल एन मिथाइल इथेन अमाइन ई नहीं लिखे सारी इथेन अमाइन इथेन अमाइन इस तरह से इसका सारा नामचर है सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइंस का ये बहुत बार मल्टीपल में आते हैं या फिर ऐसे भी इसको पूछा जाता है तो नेक्स्ट बहुत बार एग्ज़ाम में आता है कि प्रेपरेशंस ऑफ अमाइंस किस तरह से या फिर प्रेपरेशन्स ऑफ प्राइमरी अमाइंस दो तो सिंपल से हम चार पांच प्रेपरेशनें कर लेते हैं आप लोग इनको याद करते जाइए ठीक ठाक मैं आपको बताता हूं किस तरह से प्रेपरेशन ऑफ अमाइंस जनरल प्रेपरेशन आ गई हमारे पास तो पहली प्रेपरेशन कहाँ से करते हैं हम वेरी सिंपल प्रेपरेशन ऑफ अमाइंस फ्राम अल्काइल हलाइट्स फ्राम अल्काइल हलाइट्स जिनको हेलो अल्केन्स भी कहते हैं जनरल फार्मूला आर एक्स अल्काइल और हलाइड अब अल्काइल हलाइड में किस तरह से इसको हम बनाएंगे दिस इज आर एक्स अल्काइल हलाइड प्लस अमोनिया इसमें डाला है हमने अमोनिया हाँ इसको याद रखो इसको हम होपमैन अमोनोलिस मैथड भी कहते हैं होपमैन एच ओ w एफ एम ए डबल एन एस अमोनोलिसिस अमोनोलिसिस मैथड इसको बोला जाता है अमोनिया डालेंगे अमोनोलिसिस इसलिए और टेम्परेचर इस पर रखते हैं थ्री हंड्रेड सेवेंटी थ्री कैलबन टेम्परेचर थ्री हंड्रेड सेवेंटी थ्री कैलबन टेम्परेचर इस पर रखना है तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा आर एन एच थ्री इकट्ठा हो जाएगा पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव एक साल्ट बन गया हमारे पास इसको हम कहेंगे प्राइमरी अमाइन साल्ट प्राइमरी अमाइन एलो साल्ट ये प्राइमरी अमाइन साल्ट फिर दोबारा यहाँ पे लिखेंगे आर एन एच थ्री पॉजिटिव और X है यहाँ पे नेगेटिव इसमें फिर अमोनिया डालेंगे तो हमारे पास आ जाता है आगे आर एन एच टू प्राइमरी अमाइन प्राइमरी अमाइन इस फॉर्मड और प्लस अमोनियम हैच फोर एक्स इसको ऐसे भी दिखा सकते हो नेक्स्ट इस मेथड में फिर देखो प्राइमरी ओमाइन जी आ गया हमारा प्राइमरी माइन आर एन एच टू इसमें अगर हम एक और मालिक्यूल आर एक्स डाल दें और 373 केल्विन टेम्परेचर रखें तो सेकेंडरी अमाइन बन जाएगा आर टू एन सेकेंड्री अमाइन इज पम्प ये था हमारा प्राइमरी अमाइन ये मन गया सेकेंड्री अमाइन फिर दोबारा आर एक्स सेम थ्री हंड्रेड सेवेंटी थ्री कैल्वन टेम्परेचर रखेंगे तो हमारे पास टर्सरी अमाइन इज प्ड आर थ्री एन इज पम्प यानि कि टर्सरी अमाइन फिर अगर हम इसमें और आर एक्स अल्काइल हलाइड 373 केल्विन टेम्परेचर रख दें तो हमारे पास आर फोर भी आ जाता है एन यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा एक्स बन जाता है नेगेटिव क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट, इसको बोला गया क्वार्टनरी, क्या यू ए टी ई आर क्वाटर एन ए आर वाई अमोनियम साल्ट। क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट इसको कहा गया है ये थी पहली प्रेपरेशन जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी एंड अमाइंस आर फॉर्मड अब दूसरी प्रेपरेशन हमारे पास सिंपल सी कौन सी है प्रेपरेशन ऑफ अमाइंस फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, रिडक्शन ऑफ ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स अब नाइट्रो कंपाउंड्स कौन से होते हैं मैंने पहले बताया आप लोग आर टू को हम कहते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स ये है नाइट्रो कंपाउंड्स तो आर एनओ टू नाइट्रो कंपाउंड लेंगे रिडक्शन होती है हाइड्रोजन से तो सिक्स लगेगी इसमें हाइड्रोजन के एटम इन प्राइनस ऑफ आर निकल आर ए, ए एन ए बाई रेनी निकल होता है ऐसा निकल जिसमें छोटे छोटे सुराख हों या फिर रेनी प्लेटिनम से भी हो सकती है जी रिएक्शन या फिर प्लेटिनम से भी और रोम टेम्परेचर पे तो बढ़ता हमारे पास प्राइमरी अमाइन आर एन एच टू एलिफैटिक अमाइन भी इसको कह सकते हैं एलिफैटिक अमाइन और प्लस टू मालिक्यूल वाटर ये है हमारी सेकंड प्रेपरेशन अब थर्ड प्रेपरेशन करेंगे हम प्रेपरेशन ऑफ अमाइंस फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स ऑफ नाइट्राइल्स जिनको हम साया भी कहते हैं फार्मूला नाइट्राइल साइनाइड्स का आर तो सी एन तो सिंपल सी रिएक्शन हम सीधी भी बता सकते हैं विद एग्जांपल आर की जगह सी एच थ्री लिख दे अगर हम तो सी एच थ्री सी एन मिथाइल साइनाइड लेकिन आई जू पी सी नेम्स का इथेन नाइट्राइल ये दो में आ जाता है देखना इथेन नाइट्राइल आई जी पी सी नेम लिख दिया मैंने यहाँ पे तो इसमें हम डालेंगे फोर एच हाइड्रोजन के एटम फोर तो सेम मेथड जो हम पीछे करते आए निकल आर हाइड्रोजन और निकल डालेंगे रिड्यूसिंग एजेंट या फिर हम लिथियम एलमोनीय और हाइड्राइड भी डाल सकते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास सी एच थ्री अपनी जगह पे रहा यहाँ पे हाई नाइट्रोजन निकल जाएगी और हाइड्रोजन आएगी इसका मतलब सी एच टू हो जाएगा यहाँ पे, ए आ गया सी एच टू तो नाइट्रोजन आगे स्टेप में चले गई यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ फिर यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगी तो बन जाएगा एन एच टू लो तो हमारे पास बन गया इथाइल अमाइन इथाइल अमाइन इज फाउंड इथाइल अमाइन फोर्थ रिएक्शन हमारी तीन प्रेपरेशन हमने कर दी फोर्थ है प्रेपरेशन ऑफ अमाइंस फ्राम रिडक्शन ऑफ अमाइड्स रिडक्शन ऑफ अमाइड्स अमाइड्स का फार्मूला होता है आर सी ओ एन एच टू की रिडक्शन करेंगे अब हमारे पास दिया गया फार्मूला आर सी ओ अमाइड लेंगे अमाइड दो स्टेप है पहले स्टेप में आप डालते हो इसमें लिथियम एलोमोनियम हाइड्राइड और इथर की प्रायंस में होती है रिएक्शन और सेकंड स्टेप में डाला जाता है वाटर तो प्रोडक्ट बन जाएगा आर अपनी जगह पे यहाँ पे सी एच टू यहाँ पे एन एच टू अपनी जगह ही रहा तो बाटर निकलकर चला गया बन गया वाटर बाटर यहाँ पे आ गया क्योंकि यहाँ से एच आ रहे हैं एच टू ओ वाला तो बन गया वाटर मालिक्यूल तो दिस इज एलिफेटिक अमाइन दिस इज अमाइन ए एम आई एन ए -E, अमाइन चार प्रेपरेशन होगी इसकी तो फिफ्थ प्रेपरेशन पे पाँच कर लेंगे हम सिंपल सी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है होफमैन प्रोमाइड डिग्रेडेशन मैथड होफमैन एच ओ डब्ल एफ होफमैन प्रोमाइड बी आर ओ एम ए अमाइड ए एम आई डी ई डिग्रेडेशन मैथड इसको बोला जाता है होमैन ब्रोमेमाइड ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन मैथड डिग्रेडेशन मैथड इसको हम कहते हैं इसमें भी आपने एम आई डी लेना है आर सी ओ एन एच टू एम ए एम आई ड्रोमिन डालेंगे ब्रोमीन डाली जाती है इसमें और पोटास फोर मालिक्यूल क्यू एच हाँ याद रखो यहाँ से एक ये वाला कार्बन जो है निकल के चला जाता है वो बन जाता है पोटासियम कार्बोनेट तो पीछे ये बन गया आर एन एच टू एक स्टेप कम हो जाता है इसमें आर एन एच टू कार्बन आइटम निकल जाएगा वो कहाँ चल जाएगा जहाँ चला गया के टू सी ओ थ्री पोटासियम कार्बोनेट बन जाएगा उसका और प्लस टू के बी आर और दो ही वाटर मालिक्यूल इस स्टेप में चेन छोटी हो जाती है एक्स ए कार्बन का आइटम कम हो जाता है दिस इज प्राइमरी अमाइन सार प्राइमरी अमाइन। तो ये थी इंट्रोडक्शन एंड प्रेपरेशन ऑफ अमाइड्स। ओके